तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी संगठन की अल्पकालीन विस्तारक योजना ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां G20 समिट में भारत नाम लिखने पर खुशी जताई। तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। ये तो हमारे लिए इतने बड़े गौरव के पल हैं इस समय कि इसी समय चंद्रयान की लैंडिंग साउथ पोल पर, जो भारत पहला देश किसी देश की नहीं हुई, इसी समय आदित्य एल-1 का जाना और इसी समय G20 की अध्यक्षता, हर भारतीय पूरी तरह से इस बात से गौरवान्वित। जिस बैकग्राउंड के साथ कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस की बैकग्राउंड इस तरह की थी कि ये नाम लाने में कांग्रेस का ही रोल था, विभाजन भी कांग्रेस ने स्वीकार किया और कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी कहा कि भारत राष्ट्र बन रहा है, नेहरू जी का स्टेटमेंट, हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं या उस समय बन रहे थे, ये सवाल है। हम ये मानते हैं भारत एक प्राचीन।